सब्सक्राइब करें टेक ब्रोस चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक ब्रोस। आज के इस वीडियो में हम सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा इस मोबाइल के कैमरा लेंसेज को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं ये देखेंगे। दोस्तों, मैंने ESR ब्रांड के कैमरा लेंस मेरे S22 अल्ट्रा इस मोबाइल के लिए ऑर्डर किया हूँ, और अगर आप इस लेंस को परचेस करना चाहते हैं तो आपको इसकी बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से इसकी लेटेस्ट प्राइस को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने ESR लेंसेज को अमेजोन से 1100 रुपये में परचेस किया हूँ, और आपको यहाँ पे इसके अलावा भी दूसरे कंपनीज के लेंसेज वगैरह मिल जाते हैं जो कि आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलते हैं, लेकिन इससे आपके सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के कैमरे की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, जो कि आपको ESR लेंस के अंदर इस तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं मिलता है। तो अभी हम इसके बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मिल रही है। इस यूज़र मैनुअल में किस तरह से लेंस को अप्लाई करना है ये यहाँ पे बता रहा है। इसके बाद में देखिए, आपको यहाँ पे लेंस और इसका लेंस रिमूवल किट, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्लीनिंग किट में वेट वाइप, ड्राई वाइप और डस्ट रिमूवल स्टिकर, ये सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे वेट वाइप से लेंस को क्लीन करेंगे। वेट वाइप से लेंस को क्लीन करने के बाद में देखिए, हमें यहाँ पे इसका कॉटन पीस मिल रहा है। अभी हम इससे भी इसे लेंसेज को बहुत ही अच्छे से क्लीन करेंगे। इसके बाद में देखिए, हमें यहाँ पे डस्ट रिमूवल स्टिकर मिल रहा है। तो अभी हमें फाइनली यहाँ पे अगर कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह दिखते हैं तो हमें इसके डस्ट रिमूवल स्टिकर से इसे भी हमें अच्छे से क्लीन करना है। अभी देखिए दोस्तों, फाइनली हमें यहाँ पे इसके लेंस प्रोटेक्टर को अप्लाई करना है। तभी हम इस बात का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे इसे एक ही बार इंस्टॉल करने का मौका मिलता है। तभी लेफ्ट साइड से और टॉप साइड से हमें इसे अच्छे से चेक करना है और इसे अप्लाई कर देना है। यहाँ पे इसे अच्छे से प्रेस करना है। दोस्तों, आप इस मेथड से सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा इस मोबाइल में भी आसानी से कैमरा लेंस प्रोटेक्टर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये लेंस प्रोटेक्टर अभी हमारे कैमरे के लेंसेज पे बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो चुके हैं, और यहाँ पे देखिए आपको इसकी बराबर प्रॉपर अच्छे से फिटिंग भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कवर लगाने के बाद में भी देखिए यहाँ पे इसकी फिटिंग वगैरह अच्छे से दिखाई दे रही है। तो ESR लेंसेज से आपके कैमरे की क्लैरिटी में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा इस मोबाइल में लेंस प्रोटेक्टर को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं ये देखा। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।